नमस्कार, IDP24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विराट दुबे। राजधानी में पुलिस कर्मियों द्वारा नाबालिग बच्चे से मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना सरस्वती नगर थाने क्षेत्र के रेलवे स्टेशन इलाके की बताई जा रही है। बता दें कि वीडियो में एक पुलिसकर्मी वर्दी में है, जबकि दो सिविल ड्रेस में स्कूटी पर बैठे हैं। ये तीनों पुलिसकर्मी एक नाबालिग बच्चे को पकड़कर उससे मारपीट कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद तीनों पुलिसकर्मियों अनिल राजपूत थाना कबीर नगर, मुकेश ठाकुर सरस्वती नगर तथा कृष्णा राजपूत थाना आमा नाका को रायपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही विभागीय जाँच भी जारी है। आपको बता दें, इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा थी और लोगों की नाराजगी भी उभर कर सामने आ रही थी। अमूमन यह देखने को मिल ही जाता है कि कहीं कहीं पर पुलिस का रवैया आम नागरिकों के प्रति सही नहीं होता है, जिसके चलते विभाग की किरकिरी हमेशा से होती रही है। किंतु रायपुर पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख द्वारा पदभार संभालते ही विभाग में लोगों के प्रति व्यवहार को सही करने का कार्य अवश्य हुआ है। इसका उदाहरण अभी हाल ही में 3 आरक्षकों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आप देख सकते हैं। तो रोचक और लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ IDP24 न्यूज पर। और हाँ, हमें YouTube में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।